हेलो गाइस, इंग्लिश अड्डा पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोगों ने आप लोगों से वादा किया था कि आप लोगों का मैं एमबी बुक का सॉल्यूशन कराऊंगा और डेली वीडियो रहेंगे इसकी, सुबह 8 बजे और रात में 9:30 बजे। यस गाइस, तो यहाँ सुबह 8 बजे वाली वीडियो में स्वागत है आपका बच्चों, जहाँ हम लोग करा रहे हैं 2013 से सेट पेपर, यानी कि बिल्कुल स्टार्टिंग से कह सकता हूँ मैं। स्टार्टिंग तो उसकी बहुत हद है बच्चों, यानी कि कहाँ तक करेंगे आप लोग, लेकिन हमने 2013 से 2020 तक का करने का निर्णय कराया है आपको। तो यहाँ पे गाइस कोशिश है कि ये हो जाए आपके एग्ज़ाम से पहले, और हो ही जाएंगे, बिल्कुल बेफिक्र रहिए, ज़्यादा सेट नहीं है। एक सुबह चलेगा, एक शाम में चलेगा। सुबह वाले बैच में मैं आपको सिर्फ कॉमन एरर क्वेश्चन सोल्व कराऊंगा, शाम वाले बैच में पूरा सेट आपका सोल्व रहेगा। यस गाइस, यहाँ कॉमन की स्पेलिंग छुड़ गई गलती से, उसको एडजस्ट कीजिएगा, COMMON। आज का जो सेट है वो है सेट नंबर 2, 2013 से ही CGL प्री का ये टेस्ट है। ये तब की बात है बच्चों जब CGL में प्री 25 क्वेश्चन का नहीं 50 क्वेश्चन का हुआ करता था, तो ये 50 क्वेश्चंस वाला सेट पेपर है। ओके गाइस, कल भी हम लोगों ने आपके साथ में बात की थी सेट नंबर 1 की मॉर्निंग में, और रात 9:30 बजे हमने वीडियो अपलोड किया था, उसको जाके देख लीजिएगा। पूरी की पूरी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है हमारी 2020 के सेट की, पूरी प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा और देखिएगा जा करके। आज हम लोग बात कर रहे हैं सेट नंबर 2 की, और क्वेश्चंस आपके सामने वन बाय वन आते रहेंगे, उनको देखते रहिएगा गाइस। यहाँ पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है इस समय, कह रहा है कि द क्रूल लेडी मेड हर स्टेप डॉटर टू डू ऑल द हाउस होल्ड कोर्स। क्रूल लेडी यानी कि दुष्ट महिला मेड करवाती थी अपनी सौतेली बेटी से घर का सभी काम। गाइस, यहाँ जो ये मेड आपका इस्तेमाल हुआ है, मैं आपको बता दूं बच्चों, अंग्रेजी ग्रामर में आप लोग मेड, हैव, गेट को सिंपल वे में यूज़ नहीं कर सकते हैं, मतलब सिंपल तो इसका यूज़ है ही, लेकिन यहाँ पे मेड, हैव और गेट का इस्तेमाल जो है एज ए कॉजेटिव वर्ब भी किया जाता है। हो सकता है कि आप में से कईयों ने कॉजेटिव वर्ब के बारे में ना सुना हो, तो मैं बता दूं बच्चों आप सभी को, कॉजेटिव वर्ब्स यानी कि वे वर्ब्स जब कोई काम हम खुद ना करके किसी और से करवाएं, जब कोई काम हम खुद ना करके किसी और से करवाएं, तब हम लोग इस्तेमाल करते हैं कॉजेटिव वर्ब का। सो कॉजेटिव वर्ब के अंदर हम लोग बात कर रहे थे मेड, हैव और गेट की। कैसे जब कोई काम खुद ना करके किसी दूसरे से करवाया जाए, हम लोग तब इस्तेमाल करते हैं कॉजेटिव वर्ब का। इसे में भी ध्यान रखना होगा आपको, मेक और हैव का इस्तेमाल किया जाता है एक्टिव सेंटेंसेस में, यानी कि इनके साथ आने वाली हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, वो भी विदाउट टू। यस गाइस, ध्यान दीजिएगा, इनके साथ आने वाली वर्ब हमेशा फर्स्ट फॉर्म में आएगी विदाउट टू। और गेट का इस्तेमाल हम लोग पैसिव में करते हैं, इनके साथ आने वाली वर्ब हमेशा थर्ड फॉर्म में आएगी, वो भी विदाउट टू। यानी कि एक बात का ध्यान रखना होगा, हैव, मेक और गेट, इन तीनों के साथ ही आने वाली वर्ब हमेशा फर्स्ट फॉर्म या थर्ड फॉर्म में रहेगी, लेकिन विदाउट टू, यानी कि टू साथ में नहीं आएगा। यहाँ क्वेश्चन में वही मिस्टेक दी गई है, मेड देकर के टू डू दिया गया है जो कि रॉन्ग है। यहाँ पर टू डू ना होकर के ओनली डू होना चाहिए था। यस, क्या होना चाहिए था आपका, डू होना चाहिए था ओनली, तब जा करके सेंटेंस हमारा रहता करेक्ट। तो गाइज, यहाँ सेंटेंस में प्रॉब्लम दी गई है बी पार्ट में, और ये प्रॉब्लम आपकी
कॉजिटिव वर्ब को लेकर के। मैंने आपसे कल भी कहा था कि चैप्टर जब मैं आपको पढ़ाऊँ, कॉमन एरर जब मैं कराऊँ, तो साथ साथ चैप्टर का भी ध्यान रखा करें कि कौन सा क्वेश्चन किस चैप्टर से आ रहा है। आज का जो पहला क्वेश्चन था ये वर्ब प्लस टाइम एंड टेंस चैप्टर से था, जिनको मैं दोनों को एक साथ कराया करता हूँ, इसलिए मैं दोनों चैप्टर एक साथ रखता हूँ अपनी फॉर्मेशन में। कल भी वर्ब प्लस टाइम एंड टेंस से 7 क्वेश्चन आए थे आउट ऑफ 10। आज ये पहला क्वेश्चन आ चुका है वर्ब प्लस टाइम एंड टेंस से ही। यस गाइस, अब आगे देखते हैं आगे क्या कहना चाह रहा है, अगले सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं गाइस और नोट्स बनाते हुए चलें, साथ साथ कोशिश ये करें कि हर बात लिखें, कोई भी रूल जो हम लोग आपको क्लियर करवा रहे हैं, क्योंकि अगर आप लोगों ने इस तरह से क्लियर करते हुए रूल्स को पढ़ लिया तो मुझे नहीं लगता कि आने वाले एग्ज़ाम में आपका कोई भी सेंटेंस छूटेगा, ना केवल कॉमन एरर का बल्कि सेंटेंस इम्प्रूवमेंट, फिल इन द ब्लैंक्स, क्लोज टेस्ट में भी आप लोगों को इसका बहुत ज़्यादा फायदा देखने को मिलेगा। ओके गाइस, नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे हम लोग, यहाँ पे कह रहा है कि माय सिस्टर आस्क मी दैट हाउ लॉन्ग आई वुड स्टे देयर। ये जो सेंटेंस है बच्चों, ये सेंटेंस वैसे तो वर्ब में ले जाया गया है, लेकिन आप इसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट में भी रख सकते हैं। दो फॉर्मेशन पर आधारित है आपका चैप्टर कोई हो, सॉरी सेंटेंस। यहाँ जब भी सेंटेंस में आपको दिखाई दे कहीं पे भी आस्क, टोल्ड, सैड, तो ये आप समझ जाएं कि सेंटेंस हमारा डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन स्पीच की फॉर्मेशन पे है। इस गैस ऐसे में ध्यान रखें आप लोग दैट इफ वेदर और WH फैमिली, ये कुछ कंजक्शंस जो हमारी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में इस्तेमाल हुआ करती हैं। और एक बात का विशेष तौर पर ध्यान रखें कि इनमें से कोई भी दो कभी भी एक साथ इस्तेमाल नहीं होंगी। यस गाइस, तो खूब अच्छे ध्यान रखें, कोई भी दो का इस्तेमाल एक साथ आप लोग नहीं करेंगे। तो यहाँ सेंटेंस में उसने दैट और हाउ इन दोनों का इस्तेमाल किया है, जो कि रॉन्ग है। यस गाइस, दोनों को एक साथ इस्तेमाल नहीं होगा। अब ऐसे में समस्या ये आती है बच्चे के सामने कि हम लोग यहाँ से दैट हटाएं या हाउ, हालांकि आप कुछ भी हटाएंगे एरर सेम पार्ट में बनी रहेगी, लेकिन अगर ये एरर दो पार्ट में रहती तो, यानी कि श्लेष आपका यहाँ रहता तो आप लोग क्या करते ऐसे में। सो गाइस ध्यान दें, अगर सेंटेंस में आस लगा हो तो हम लोग डब्लू फैमिली लगाएंगे, और सेंटेंस में अगर टोल लगा होता तो हम लोग दैट का इस्तेमाल कर रहे होते। यहाँ पर आस्क लगे होने की वजह से WH फैमिली का इस्तेमाल करना होगा और दैट को आपको यहाँ से हटाना होगा, यानी कि इस तरह से सेंटेंस के बी पार्ट में हो जाएगी आपके एरर। ओके गाइस, स्पीच नाम के चैप्टर में इसको हमने खूब अच्छे से पढ़ाया है, आप जाकर YouTube पर चेक कर सकते हैं, वीडियो हमारी मिल जाएगी आपको। फिलहाल चलते हैं गाइस नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। द टीचर एज वेल एज द स्टूडेंट्स हैव गोन ऑन एन एक्सक्लूजन टू ऊटी ड्यूरिंग देयर समर वेकेशन। यहाँ बताना है आपको सेंटेंस के किस पार्ट में है एरर। ओके गाइस, सेंटेंस में एरर फाइंड करनी है। देखिए यहाँ जो सेंटेंस आपका है, यह आपका सिंटैक्स से है। किससे बच्चों? सिंटैक्स से है। सिंटैक्स नाम का चैप्टर आप लोगों ने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो YouTube पे जाइएगा, सिंटैक्स बाय सौरभ जैन सर डालिएगा और पूरा लेक्चर पढ़ लीजिएगा, उसमें हमने खूब अच्छे से ये चैप्टर पढ़ाया आपको। ओके गाइस, सिंटैक्स नाम के चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा, यदि दो नाउन या प्रोनाउन एज वेल एज, विद, टुगेदर विद, सुनते रहिएगा बच्चों क्योंकि सभी को यहाँ पे लिखना संभव नहीं है, जगह नहीं है इतनी, मैं पूरा रूल बोल रहा हूँ, ज़रा ध्यान सुन लीजिएगा। यदि दो नाउन या प्रोनाउन विद, टुगेदर विद, अलोंग विद, एज वेल एज, रैदर देन, एंड नॉट, लाइक आदि से जुड़े हों तो आने वाली वर्ब
आने वाली वर्ब हमारी एज वेल एज फिर सब्जेक्ट, जो वर्ब आएगी वो पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आया करती है, नॉट बाद वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ जो ये हैव आया है ये द टीचर के अकॉर्डिंग होना चाहिए था, और टीचर आपका यहाँ पर सिंगुलर है, टीचर को देखते हुए यहाँ पर हैव नहीं, हमारा यहाँ पे हैज़ होना चाहिए था, तब जाकर ये सेंटेंस करेक्ट रहता। सेंटेंस में यहाँ बी पार्ट में दी गई है बच्चों एरर, बी पार्ट में हैव की जगह हैज़ होना चाहिए था, तब जाके ये सेंटेंस करेक्ट रहता। सो गाइज बी पार्ट में एरर है, और ये सेंटेंस था हमारा सिंटैक्स नाम के चैप्टर से। यस गाइज ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, वर्ब प्लस टाइम एंड टेंस की तरह ही ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका, और रिलेटेड भी ये वर्ब और टाइम एंड टेंस से ही है, तो इसको भी साथ करते हुए चलें। ओके गाइज अगले सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं और चेक करते हैं किस चैप्टर से आया हुआ है। कह रहा है कि द US डोंट वांट इंडिया इन द सिक्योरिटी काउंसिल। गाइस ये चैप्टर भी आपका आ गया है क्वेश्चन टाइम एंड टेंस ऑफ वर्ब से ही। अगर देखा जाए तो यहाँ पर उसने कहा द US डोंट वांट, US जो आपका एज ए सब्जेक्ट इस्तेमाल हुआ है जो कि सिंगुलर माना जाएगा, इस सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में आपको सिंगुलर ही वर्ब का इस्तेमाल करना होगा, डोंट नहीं आपको इस्तेमाल करना होगा डजंट, इस्तेमाल करना होगा डजंट। तो गाइस यहां पर बी पार्ट में हो गई है आपके एरर, और ये सेंटेंस जाएगा आपका वर्ब प्लस टाइम एंड टेंस के खाते में ही, यानी कि आज का तीसरा सेंटेंस वर्ब प्लस टाइम एंड टेंस से आ चुका है, यानी कि आप लोग समझ रहे होंगे कि कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर आप लोगों के लिए है। सेंटेंस नंबर लास्ट की तरफ बढ़ते हैं, क्या कह रहा है, कह रहा है कि यू कैन ईट एज मच एज यू लाइक एट द न्यूली लॉन्च बार, न्यूली लंच बार, सॉरी नॉट लॉन्च बार, न्यूली लंच बार। यहाँ यू के साथ इस्तेमाल किया गया है कैन का, कैन जो कि है आपके एक मॉडल वर्ब। आपको पता है बच्चों मॉडल वर्ब कोई से भी हो, विल, शैल, कैन, मे, वुड, शुड, कुड, माइट, मस्ट और टू, इन सभी के साथ हम लोग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल क्या करते हैं, जो कि उसने भी किया, यानी कि सेंटेंस में यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। यस गाइस अभी आगे बढ़ते हैं, कह रहा है कि एज मच एज यू लाइक, बच्चों खाने के लिए इस्तेमाल किया गया है, तो उसने एक अनकाउंटेबल वर्ड एज मच एज का इस्तेमाल किया है जो कि बिल्कुल ठीक है। एट द न्यूली लंच बार, बच्चों यहाँ पे लंच बार की बात हो रही है जो कि एक नाउन है, एल यू एन सी एच, लंच बार जो कि एक नाउन है, और नाउन को क्वालिफाई करने के लिए हम लोगों को एडजेक्टिव का इस्तेमाल करना होता है, नॉट एडवर्ब का। तो यहाँ पे न्यूली नहीं आपको न्यू का इस्तेमाल करना होगा, तब जाके ये सेंटेंस होगा हमारा करेक्ट, यानी कि सेंटेंस के सी पार्ट में हो गई है आपके एरर। तो यानी कि मैं कह सकता हूँ कि ये जो एरर थी ये थी आपकी एडजेक्टिव से, और मैं कई बार आपको ये बात चिक चिक के बोल चुका हूँ कि ये तीन चैप्टर पर आप अपनी पकड़ बना लीजिए खूब अच्छे से, आपके खूब अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। पहला चैप्टर है वर्ब प्लस टाइम एंड टेंस, दूसरा चैप्टर रहेगा सिंटैक्स, और तीसरा चैप्टर आप लोगों को करना है कवर एडजेक्टिव। यस गाइस इन तीन चैप्टर में बनाइए कमांड और खूब अच्छे नंबर लाइएगा। गाइस आज के सेट में सिर्फ 5 ही कॉमन एरर दी गई हैं, तो ये 5 की 5 मैंने आपको करा दी हैं, उम्मीद करता हूँ कि आपको खूब अच्छे से समझ में आई होंगी। यस गाइस आगे के क्वेश्चंस के लिए हम लोग मिलते हैं आपसे अगले सेट के साथ में अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि आपको डेली सुबह 8 बजे और रात में 9:30 बजे वीडियो मिलने वाला है, और बीच में बहुत सारी वीडियोस हम लोग आपको प्रोवाइड कराते हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि आप किसी भी प्रकार की वीडियो से अनभिज्ञ रह जाएँ, और कोई भी इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग SSC रिगार्डिंग योर एग्ज़ाम्स अगर कोई है तो हम लोग उसको भी आपको प्रोवाइड कराते हैं। साथ ही साथ शॉर्ट वीडियो के माध्यम से आपको डेली हम लोग ट्रिक से वो कैब याद कराते हैं, इसलिए बच्चों चैनल को लीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। गुड बाय, हैव अ नाइस डे।